Assalamu alaikum dear students, I am coming again here with a very very important topic and that topic is related to torque and angular momentum. Dear students, these two topics are very very important so far as rotational motion is concerned. ठीक है ना बेटा, तो स्टार्ट करेंगे आज यहाँ दो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो डिस्कस करेंगे, दो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स दैट इज टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम. बोथ गो साइड बाय साइड देयर इज रोटेशनल मोशन. ठीक है ना बेटा, तो क्या लिखा मैंने, टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम एंड दिस टॉर्क इज डिनोटेड बाय टाउ, ग्रीक वर्ड बेटा, ग्रीक लेटर टाउ. ठीक है ना, एंड दिस इज डिनोटेड बाय एंगुलर मोमेंटम इज डिनोटेड बाय एल लेटर. ठीक है ना, एल से डिनोट करते हैं. ठीक है ना, आज ही डिस्कस करेंगे. ओके वेरी नाइस डियर स्टूडेंट, मैंने आपको पहले ही कहा कि बेटा हेयर क्रॉस प्रोडक्टर ऑफ टू वेक्टर्स प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल देयर इन रोटेशनल मोशन. ठीक है ना, तो रोटेशनल मोशन में बेटा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स जबरदस्त रोल बेटा यहाँ जो है ना रोल इनका जबरदस्त है. क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स का रोल जबरदस्त है बेटा किसमें, रोटेशनल मोशन में. ठीक है ना, जबरदस्त रोल अदा करता है ये. तो बेटा यहां डिस्कस करेंगे पहले टॉर्क और इसके बाद डिस्कस करेंगे एंगुलर मोमेंटम. ठीक है ना, ओके वेरी नाइस. देखो बेटा स्टार्ट करेंगे, तो लेट स्टार्ट हियर आवर टॉपिक विद द टर्म टॉर्क. टॉर्क से स्टार्ट करेंगे, यहां बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. ओके वेरी नाइस, तो टॉर्क लिखा है मैंने बेटे यहां. ठीक है ना, टॉर्क तो बेटे टाउ से डिनोट हो रहा है. किसे डिनोट, टाउ से डिनोट हो रहा है, टाउ से. टॉर्क क्या होता है बेटा, एक्चुअली देखो क्या है कि ये रोटेशनल में दिस इज एक्चुअली टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, ये रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स होता है बेटा, ये मोमेंट ऑफ फोर्स होता है. क्या है टॉर्क है एक्चुअली, यहां लिखो बेटा टॉर्क क्या होता है बेटा, टॉर्क होता है एक्चुअली रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स. जितना रोटेशन देगा किसी चीज को बेटा इतना इसका टॉर्क ज्यादा होगा, वो टॉर्क से डिसाइड होता है. कोई फोर्स किसी पार्टिकल को क्या किसी बॉडी को कितना रोटेट करेगा अबाउट ए पर्टिकुलर अबाउट ए सर्टन पॉइंट दैट इज एक्सिस और एक्चुअल पॉइंट, तो कितना इसको टर्न करेगा, दैट फोर्स इज नोन एज दैट इज नोन एज टॉर्क. जितना ज्यादा रोटेशन होगा, जितना ज्यादा क्विकली टर्न होगा, ज्यादा रोटेशन होगी, इतना इसको हम कहेंगे टॉर्क ज्यादा है. तो क्या है रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स, रोटेशन इफेक्ट ऑफ फोर्स का कितना है, कितना ये तेज बेटा रोटेट करता है अबाउट एन एक्सिस अबाउट ए पॉइंट अबाउट एन एक्शन. ठीक है ना, एक्सिस. ठीक है ना, एंड दैट एट द टाइम वी कैन से टॉर्क, देयर इज मोर टॉर्क. सो इट इज रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स, टर्निंग आर इसको यहां लिखेंगे बेटा आर, इट इज टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स अबाउट ए पर्टिकुलर पॉइंट. टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स ये भी लिख सकते हैं, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स भी लिख सकते हैं बेटा. ओके वेरी नाइस, और भी हम लिखते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स भी लिख सकते हैं बेटा, मोमेंट ऑफ ए फोर्स. तो बेटा ये रोटेशनल एनालॉग, दिस इज एनालॉग, इट हैज सेम स्टेटस एज दैट इन रोटेशन एज फोर्स प्लेज इन. फोर्स जो रोल करता है ना किसमें, लीनियर मोशन में, जो रोल फोर्स लीनियर मोशन में करता है वही रोल बेटा टॉर्क किसमें करता है, टॉर्क टॉर्क किसमें करता है, रोटेशनल मोशन में. एंड द रोल दैट इज प्लेड बाय फोर्स इन लीनियर मोशन, सेम रोल इज प्लेड बाय टॉर्क, टॉर्क किसमें करता है बेटा, ये रोटेशनल मोशन में करता है. ठीक है ना, रोटेशनल मोशन में. द रोल दैट इज प्लेड बाय फोर्स इन लीनियर मोशन, सेम रोल इज प्लेड बाय, सेम रोल इज प्लेड बाय टॉर्क देयर इन रोटेशनल मोशन. ओके वेरी नाइस, तो बेटा मैंने लिखा टर्निंग, किसी बॉडी को कितना, सपोज ये यहाँ बेटा बॉडी है, यहाँ कोई पार्टिकल है, दिखाएंगे ये दिखाएंगे बेटा, पहले लिखो आप थोड़ा रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स, किसी को कोई फोर्स कितना पार्टिकल या बॉडी को कितना रोटेट करेगा अबाउट ए पर्टिकुलर पॉइंट और अबाउट ए पर्टिकुलर एक्सिस, दैट टर्निंग ऑफ इफेक्ट ऑफ फोर्स इज नोन एज टॉर्क. और रोटेटिंग इफेक्ट, रोटेट तो वही है, टर्न भी वही है, और मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ कितना घुमाएगा इसको. ठीक है ना, कोई फोर्स कितना किसी को रोटेट करेगा, घुमाएगा, टर्न करेगा अबाउट ए पर्टिकुलर पॉइंट, अबाउट ए पर्टिकुलर पॉइंट आर अबाउट ए पर्टिकुलर एक्सिस. ठीक है ना, एंड दैट इफेक्ट ऑफ फोर्स, दैट इफेक्ट ऑफ फोर्स इज नोन एज टॉर्क. ओके वेरी नाइस, मोर द इफेक्ट टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, मोर इज द टॉर्क, लेस द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, लेस इज द टॉर्क, मोर द रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, मोर इज द टॉर्क. तो बेटे यहां लिखेंगे, ओके वेरी नाइस, तो ये लिखा आपने, तो बेटे यहां स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स से, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आपको आना चाहिए. देखो बेटे क्या है, हम पहले पार्टिकल से स्टार्ट करेंगे. अगर आपको पार्टिकल का समझ में आया, मान लो आपको सिस्टम का सिस्टम ऑफ पार्टिकल का समझ में आएगा. अगर आपको पार्टिकल सिस्टम ऑफ पार्टिकल का समझ आया, इसमें इसका मतलब है कि आपको किसी रिजिड बॉडी का समझ में आया. ठीक है ना, तो पार्टिकल से समझ लो, पार्टिकल से समझ लो, सब कुछ समझ में आएगा. ठीक है ना, ओके वेरी नाइस, सेम है ना, सेम थिंग फॉर एवरी केस.
तो यहाँ पार्टिकल से स्टार्ट करेंगे, although it is rigid, it is rigid body dynamics, लेकिन पार्टिकल से स्टार्ट करेंगे, और रिजिड बॉडी कुछ भी नहीं तो वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स होती है। जब एक पार्टिकल का आएगा इसका मतलब सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स आ गया। सिस्टम ऑफ पार्टिकल क्या होता है? दैट इज रिजिड बॉडी इज एक्चुअली कंसिस्टिंग ए कलेक्शन ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ स्टार्ट करेंगे टॉर्क, ठीक है ना। देखो मेरे टॉर्क से स्टार्ट करेंगे बेटा। ओके वेरी नाइस, देखो क्या है, सी डी एल, वेरी नाइस। तो बेटे यहां ऐसे लिखेंगे, परेशान होने की कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीरियर यहां मैं बेटा ऐसे लूंगा एक्स एक्सिस, ठीक है ना। यहां मैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम वाई एक्सिस मैंने ले ली, ठीक है ना। यहां बेटा जेड एक्सिस है, ठीक है ना। ऐसे ये मावे के जेड एक्सिस हवा में है, और एक्स दिस इज एक्स एक्सिस, और बेटा ये मान लीजिए वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस इस वक्त हवा में है, स्पेस में है, यहां ऐसे डायरेक्ट। मान लो कि बेटा ये है यहाँ ओरिजिन, दिस इज ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। मान लीजिए कि यहाँ पार्टिकल है बेटा, ठीक है ना। पार्टिकल और इसका मास कितना है? इसका मास है एम, ठीक है ना, ठीक है ना। सपोज वी वांट टू रोटेट दिस पार्टिकल, हमको इस हम घुमाएंगे इस पार्टिकल को किसमें बेटा, किसमें? एक्स वाई प्लेन पर घुमाएंगे इसको, ऐसे। सपोज वी हैव टू रोटेट दिस मास एम अबाउट द ओरिजिन इन व्हाट प्लेन? एक्स वाई प्लेन। तो हम बेटा क्या करेंगे, यहाँ अप्लाई, यहाँ कोई फोर्स हमें अप्लाई करेंगे, ऐसे बेटा मैंने फोर्स अप्लाई किया इस पार्टिकल पर, ऐसी फोर्स किया अप्लाई, ठीक है ना, मैंने यहाँ फोर्स अप्लाई किया। एंड इफ दिस फोर्स गिव्स इट टर्निंग इफेक्ट, दैट इज इट रोटेट्स इट अबाउट ए पर्टिकुलर पॉइंट ओ, लेट आर इज द पोजिशन वैक्टर ऑफ दिस पार्टिकल ऑफ मैस एम, ठीक है ना। एंड एफ क्या है? एफ इज द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। सपोज दिस फोर्स एफ रिवॉल्व इट रोटेट्स इट अबाउट ओ एंड दस इट एग्जीक्यूट स्टॉप। देखो अब टार क्या है, किसके बारे में? देखो बेटा ये आर्क है, आर इज पोजिशन वेक्टर ऑफ दिस पार्टिकल एम, ठीक है ना। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आर, ये है। लेट थीटा इज द स्मॉलर एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ आर, दैट इज पोजिशन वेक्टर। दिस पोजिशन वेक्टर ऑफ मास एम, व्हाट इज आर हियर? आर इज पोजिशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल ऑफ मास एम, एंड एफ इज द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। लेट थीटा इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ आर एंड डायरेक्शन ऑफ एफ, स्मॉलर एंगल, ठीक है ना। ओके, देन टॉर्क इज डिफाइंड एज, टॉर्क इज डिफाइंड एज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ, बेटा क्या है, एज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजिशन वैक्टर आर, पोजिशन वैक्टर आर एंड बेटा पोजिशन वैक्टर आर एंड द फोर्स अप्लाइड, एंड द फोर्स अप्लाइड ऑन द पार्टिकल ऑफ मास एम, ठीक है ना बेटा। ओके वेरी नाइस, तो मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे बेटा? मैथमेटिकली लिखेंगे टॉर्क, टॉर्क टाउ से लिखते हैं, दैट इज ग्रीक लेटर टाउ, ठीक है ना। टॉर्क ऐसे इज इक्वल टू आर, दैट इज पोजिशन वेक्टर आर, दिस इज पोजिशन वेक्टर आर बेटा, ठीक है ना। दिस इज बेटा पोजिशन वेक्टर आर एंड क्रॉस बेटा किसका? अप्लाइड फोर्स एफ। This is the, dear students, this is definition of torque. ये torque की definition है. Exactly 100% definition of torque. So what is the torque? Torque is defined, torque of the particle of mass m about center O, about which it is rotating due to this force F. And let this particle is having position vector R. Then torque is defined as the क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर, पोजिशन वेक्टर आर एंड एफ, ठीक है ना। तो टार किसी बार है आर का सर, एंड वी नो दैट ए क्रॉस बी इज अनदर वेक्टर सी, एंड दैट इज ए वेक्टर पॉइंट। सो टार्क इज ए वेक्टर पॉइंट। वाई? बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ए वेक्टर पॉइंट। That's dear students, it has both magnitude as well as direction. Beta kya hai? It has both magnitude as well as direction. Theek hai na beta, torque ki magnitude bhi hai aur beta iski direction bhi hai. Okay, very nice. Baat aayi samajh mein? Haan, dekho beta. Ab magnitude kya hai torque ka yahan? Torque ka magnitude kya hai beta? Magnitude of torque is beta, that is a b sin theta, that is r magnitude of vector r into magnitude of vector f into sin theta, that is smaller of the angle between r and f, that is sin theta. तो बेटा टॉर्क किसके बराबर आएगा? टॉर्क यहां तो ये आएगा r
इसका मैग्नीट्यूड आर और इसका मैग्नीट्यूड एफ एंड दैट इज साइन थीटा. दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क. ये क्या है? दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क. दिस इज डियर स्टूडेंट्स ये क्या है? दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क. वेरी नाइस बेटा. ये क्या है? ये मैग्नीट्यूड ऑफ किसका है? टॉर्क का है. ठीक है ना? आई बात समझ में बेटा. नाउ दिस डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या है? टॉर्क की डायरेक्ट बेटा. टॉर्क की डायरेक्शन क्या है? ये तो मैग्नीट्यूड है. बिकॉज आप देखो बेटा क्या है, ए क्रॉस बी, जैसे कि ए क्रॉस बी लिखते हैं इज अनदर वेक्टर सी एंड हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ई एंड साइन ऑफ द स्मॉलर ऑफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी. सिमिलर इज द केस हियर बेटा. क्या है यहाँ? यहाँ सी के बदले क्या है? सी के बदले यहाँ टाव है और यहाँ बेटा ए के बदले आर और बेटा बी के बदले एफ. तो आर क्रॉस एफ इज अनदर वेक्टर टाव एंड हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा. R is the magnitude of R vector, F is the magnitude of X vector, and theta is the smaller angle between the direction of R and direction of F. ये लिखा मैंने. Tau is equal to R F sin theta. That is magnitude. This is magnitude of torque here. Now आप क्या निकालने हैं? Direction of torque. क्या है निकालने हैं? Direction of torque क्या है? Direction of torque. And that is denoted by tau vector here. ये direction कहाँ है आप? देखो बेटा. And that direction is given by right-hand secure rule or right-hand thumb rule, जो मैंने cross split of vectors में आपको बताया है, ठीक है ना? And that is given by right-hand thumb rule or right-hand secure rule. तो easy way है जो right-hand thumb rule. देखो बेटा right-hand rule बताएंगे कैसे. यहाँ बेटा ये क्या कह रहा है? देखो बेटा क्या कह रहा है ये? ऐसे देखो बेटा सीरियर सीरियर टॉर्क लिखेंगे यहाँ बेटा R cross F. The direction of torque is perpendicular to both R and F. And plane containing R equipment and is given by right hand thumb rule. देखो बेटा कैसे आप R पर यहाँ R पर रखिए बेटा ये R है. This is direction of R. This is बेटा direction of R. यहाँ direction of R की है ना, R की direction है बेटा. तो बेटा देखो क्या है, हाथ रखो R पर, हाथ रखो और फिर करो करो fingers in the sense of rotation. ऐसे R को कहाँ ले लो? R to F. R को ले लो बेटा F की तरफ. R cross F means हाथ रखो R पर right hand और फिर करो करो fingers from R to F, rotate करो R to F ऐसे. Then thumb will give the direction of, thumb क्या देगा बेटा? The direction of torque. तो torque क्या लगेगा बेटा? यहाँ Z axis की, यहाँ बेटा ये है Z axis. तो torque लगेगा यहाँ Z axis की तरफ outwards. Towards us बेटा. तो direction लिखो बेटा यहाँ. The direction of torque is given by, the direction of tau is given by right hand, is given by right hand secure rule or right hand thumb rule. Right hand secure rule लिखो बेटा और right hand thumb rule. लेकिन मैंने आपको यहाँ right hand thumb rule बताया आसान तरीका. Right hand thumb rule. Here torque is perpendicular to both. So torque क्या होते हैं? टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू बोथ. ऐसे है ना बेटा आर आर ऐसे लिखा मैंने, ऐसे हाथ रखा सीधे आर पर एंड क्रॉस टू एफ दैट इज रोटेटेड टू एफ सो स्मॉलर एंगल. तो देन थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क. सो टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू बोथ आर एज वेल एज एफ एंड प्लेन कंटेनिंग आर एट एम दैट इज एक्स वाई प्लेन. और ये सारा डायरेक्शन में है यहाँ ऐसी. तो यहाँ लिखेंगे द डायरेक्शन ऑफ, यहाँ लिखा मैंने हेयर टॉर्क इज, हेयर टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू बोथ R vector and F vector and plane containing and plane containing R and F. Here plane क्या है? Plane तो यहाँ बेटा XY plane है, यहाँ ये XY plane पर है. Okay, very nice. मैंने आपकी खातिर लिखा XY plane. And is directed outwards. And is directed outwards. बेटा यहाँ ऐसे है तो यहाँ टॉर्क लिखेंगे. यहाँ टॉर्क कैसे लगेगा? यहाँ लगेगा ऐसे, ऐसे लगेगा टॉर्क बेटा. ये डॉट मैंने लिखा और ऐसे और ये डिनोट करता है टॉर्क. तो टॉर्क क्या लगेगा? आउटवर्ड्स. एंड इज डायरेक्टेड आउटवर्ड्स, ऐसे लिखेंगे आउट, ये आउटवर्ड्स. ये डायरेक्शन है टॉर्क की क्या? आउटवर्ड्स. ठीक है ना? एंड पेरपेंडिकुलर दैट्स द टॉर्क आउटवर्ड्स है लेकिन किस डायरेक्शन में? हियर इट इज डायरेक्शन इज वो क्या है? पॉजिटिव जेड एक्सिस. यहाँ ये पॉजिटिव जेड एक्सिस है. यहाँ क्या है? हियर डायरेक्शन इज, इसकी tau direction of tau is that is, yahan likhenge that is direction of tau is beta kahan hai? is along positive z axis, is along positive z axis. sab kuch maine likha yahan. okay, very nice, good. aayi baat samajh mein.
यहाँ ऐसे किया थ्रो स्मॉलर एंगल, आर को आर को रोटेट किया टुवर्ड्स एफ, तो ये आएगा यहाँ क्या टॉर्क की डायरेक्शन, एंड दैट टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू बोथ आर एज वेल एज एफ एंड दिस लाई इन द एक्सवाई प्लेन, तो टॉर्क है परपेंडिकुलर एक्सवाई प्लेन एंड दैट इज योर जेड एक्सिस इन आउटवर्ड्स पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ। ओके आइए बात समझ में, आप जाएंगे बेटा देखो क्या है सीधे, तो यहां लिखेंगे अगेन मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क मैंने लिखा बेटा, ये किसके बराबर है आप आर एफ साइन थीटा एंड आर इज द बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ यहां से यहां तक कितना लंबा है दूरी कितनी आई पोजिशन वेक्टर एंड एफ इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना मैग्नीट्यूड लगाया चार न्यूटन पांच क्या लगाया एंड साइन थीटा थीटा इज द स्मॉलर एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ आर एंड एफ। देखो बेटा अब देखो तमाशा क्या है सीरियल, अगर मैं केस लूंगा यहां केस पहले यहां लिखेंगे बेटे एसेंट इसका एसेंट क्या है एस आर यूनिट ऑफ टॉर्क क्या है टार का यूनिट एसेंट, देखो बेटे क्या है यहां आर का क्या है मीटर और बेटा फोर्स का क्या है न्यूटन और ये बेटा इसका है ना इसका कोई यूनिट नहीं है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है इसका कोई यूनिट नहीं है तो न्यूटन मीटर है, तो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क दैट इज न्यूटन मीटर, तो डायमेंशंस क्या है टॉर्क की डायमेंशन ऑफ टॉर्क क्या है बेटा आर की क्या है एल और एफ की क्या है एम एल टी माइनस टू और बेटा ये डायमेंशन लेस है ये डायमेंशन लेस है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से डायमेंशन लेस क्वांटिटी, तो बेटा यहां क्या लिखेंगे इज इक्वल टू एम बेटा एल स्क्वायर टी माइनस टू, सो इट हैज सेम डायमेंशन एज दैट ऑफ वर्क बट वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी हियर टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी इट हैज अ वास्ट डिफरेंस हियर, वर्क एंड टॉर्क यहां लिखेंगे बेटा वर्क एंड टॉर्क है सेम सेम क्या है डब्ल्यू दैट इज वर्क एंड बेटा टॉर्क हैव सेम डायमेंशंस बट फिर क्या बेटा डिफरेंस क्या है बट वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड टॉर्क है टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सो एक स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में आसमान जमीन का फर्क है, वर्क इज रिप्रेजेंटेड एज डॉट यूनिट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बट टॉर्क इज रिप्रेजेंटेड एज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजिशन वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर, तो टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी बट वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, बहुत बड़ी डिफरेंस है और वर्क तो बेटा देखो क्या है वर्क इट इज इजी टू डिफाइन वर्क लेकिन टॉर्क थोड़ा टफ है क्योंकि यहां टॉर्क की डायरेक्शन भी निकालनी है वर्क की कोई डायरेक्शन नहीं, देखो बेटा ये लिखा आपने आप देखो क्या आगे लिखेंगे यहां देखो अब यहां लिखेंगे सीडीएर यहां तमाशा देखो आप स्पेशल केसेस लिखेंगे स्पेशल केसेस पहला केस यहां बेटा केस फर्स्ट अगर बेटा यहां देखो बेटा केस फर्स्ट क्या है अगर यहां लिखेंगे थीटा इज इक्वल अगर थीटा यहां बेटा जीरो है आर थीटा इज 180 तो बेटा टॉर्क क्या आएगा टॉर्क आएगा बेटा आर एफ साइन जीरो तो साइन जीरो बेटा किसके बात है साइन जीरो बेटा जीरो के बराबर है तो टॉर्क क्या आएगा टॉर्क आएगा आर एफ इंटू जीरो एंड दैट इज जीरो जीरो सर भी ये तो जीरो आएगा तो टॉर्क किसके बाद जीरो नो रोटेशन नो टर्निंग इफेक्ट क्यों देखो बेटा क्या है कंडीशन क्या है अगर बेटा ये यहां दिखाएंगे थोड़ा दिखाएंगे आपको देखो बेटा अगर बेटा ये एक्स एक्सिस है बेटा ये वाई एक्सिस है बेटा ये जेड एक्सिस है देखो बेटा क्या है यहां अगर पार्टिकल यहां ऐसे है देखो बेटा क्या है ये है पोजिशन वेक्टर इसका पोजिशन वेक्टर यहाँ ओरिजिन से ये और पोजिशन वेक्टर है मान लीजिए फोर्स बीसी डायरेक्शन में है फोर्स बीसी डायरेक्ट तो थीटा इनके दरमियान क्या है जीरो इफ थीटा इज अगर बेटा थीटा क्या है जीरो और 180 पहले मैंने जीरो ले लिया क्या ले लिया जीरो अगर ये जीरो है दैट इज आर एंड एफ आर इन द सेम डायरेक्शन तो देखो बेटा ये मैस है यहाँ मैस तो देखो बेटा क्या ये रोटेट इसको करेगा यहाँ नहीं नहीं कोई रोटेशन नहीं क्योंकि अगर ये आपको ऐसी फोर्स अप्लाई करोगे ऐसी तो ये यहाँ जाएगा ये पार्टिकल यहाँ जाएगा ये रोटेट नहीं करेगा जब रोटेट नहीं करेगा तो टॉर्क क्या इसका है टॉर्क आएगा जीरो नो टर्निंग इफेक्ट ये रोटेट नहीं करता है अबाउट ये नहीं चलेगा बेटा अब रोटेशन ये रोटेशन नहीं करेगा क्योंकि फोर्स यहाँ है ये यहाँ ही जाएगा बेटा तो स्ट्रेट लाइन में जाएगा ये करोड़ मोशन में नहीं जाएगा रोटेशन नहीं करेगा जब रोटेशन नहीं करेगा तो टॉर्क क्या आ गया जीरो आई बात जैसे कि बेटा मैं समझाऊंगा बेटा ठीक है ना ओके वेरी नाइस देखो बेटा क्या है ये है यहाँ देखो बेटा क्या है सीरीज अगर आप देखोगे यहाँ बेटा देखो क्या है ये है मान लीजिए कि ये है क्या है बेटा ये है यहाँ मान लीजिए कि डोर है ना डोर तो ऐसे चलते है ना डोर अगर डोर को ऐसे खींचेगी ऐसे ये तो एक्सिस है इसकी डोर की बेटा ये एक्सिस है दैट इज हिंज है यहाँ बेटा कब्जा है जिसको कश्मीरी में कब्जा कहते हैं हिंज है यहाँ
ये यहाँ बेटा यहाँ होती है हैंडल, अगर इसको यहाँ ऐसे घट करेंगे ऐसे तो ये है पोजीशन वेक्टर, यहाँ से हिंज लग यहाँ पोजीशन वेक्टर, और यहाँ फोर्स ऐसे करेंगे तो कितना क्या आएगा, जीरो। ये रोटेट करेगा नहीं, नहीं यहाँ ऐसा करने से रोटेट नहीं करेगा। ओके वेरी नाइस, ऐसे मैंने कहा कि सपोज ये डोर है, ये इसका यहाँ हिंज है, हिंज तो ये रोटेट करता है ऐसे, लेकिन अगर हम इसको ऐसे यहाँ ये पोजीशन यहाँ से यहाँ तक यहाँ एक्सिस ऑफ रोटेशन से यहाँ तक ये बेटा पोजीशन वेक्टर है, अगर फोर्स भी इसी डायरेक्शन में यहाँ लगाएंगे क्या ये रोटेट करेगा ऐसे, नहीं ये रोटेट नहीं करेगा, तो टॉर्क क्या लगेगा, जीरो। ओके वेरी नाइस। दूसरा पॉइंट, अगर बेटा थीटा क्या लेंगे यहाँ, थीटा 180, तो देखो बेटा इस पे भी साइन 180 भी क्या होता है, साइन 180 बेटा ये भी जीरो के बाद, तो टॉर्क किसके बाद आएगा, आर एफ साइन 180 और साइन 180 बेटा किसके बाद, जीरो के बाद, तो टॉर्क किसके बाद, आर एफ इंटू जीरो बेटा ये जीरो आया, तो देयरफॉर टॉर्क क्या आएगा, जीरो। ये बात है, देखो बेटा क्या अगर आप पार्टिकल को ऐसे ऐसा करेंगे, देखो बेटा क्या है, ठीक है आप थीटा क्या ले लिया, थीटा 180, यहाँ भी टॉर्क जीरो लगेगा, देखो बेटा कैसे, ये एक्स एक्सिस है बेटा, ये वाई एक्सिस है, ठीक है ना, ये बेटा जेड एक्सिस है, ठीक है ना, ओके ये है ओरिजिन। अगर यहाँ पार्टिकल है, देखो बेटा क्या है, ये है पोजीशन वेक्टर आर, ये है पोजीशन वेक्टर आर, ठीक है ना, अगर हम फोर्स को ऐसा देंगे, ऐसे फोर्स देंगे, तो देखो यहाँ पोजीशन वेक्टर आर, यहाँ फोर्स यहाँ, तो ये एंटी पैरेलल है, तो थीटा कितना है 180, क्योंकि आर की डायरेक्शन यहाँ, एफ की डायरेक्शन यहाँ, तो थीटा कितना है 180। अगर आप फोर्स ऐसे अप्लाई करोगे क्या ये रोटेट करेगा, ये रोटेट करेगा यहाँ, नहीं नहीं करेगा रोटेट, ये यहाँ जाएगा स्ट्रेट लाइन में जाएगा, तो इसको टर्निंग इफेक्ट नहीं मिलेगा, इसको रोटेटिंग इफेक्ट नहीं मिलेगा, इसको टॉर्क नहीं होगा, तो टॉर्क क्या आएगा, जीरो, क्योंकि यहाँ थीटा कितना है 180। जब टर्निंग इफेक्ट मिलेगा, जब रोटेटिंग इफेक्ट मिलेगा, जब मोमेंट ऑफ फोर्स मिलेगा। ओके वेरी नाइस, तो बेटा आप क्या नेक्स्ट, सीधे देखो बेटा क्या है, टॉर्क किसके बराबर, टॉर्क के सेकंड लेंगे, के सेकंड, इफ थीटा इज इक्वल टू बेटा 90, थीटा इज इक्वल, यहां टॉर्क मैक्सिमम आएगा, तो टॉर्क कितना आएगा मैक्सिमम बेटा, टॉर्क मैक्सिमम आएगा, देखो बेटा आर एफ यहां लिखेंगे साइन 90 बेटा, ठीक है ना, देखो बेटा साइन 90 किसके बताते हैं, साइन 90 तो 1 के बराबर होता है, बता टॉर्क किसके बराबर मैक्सिमम आएगा बेटा, दैट इज आर एफ इंटू 1, तो बेटा यहाँ टॉर्क मैक्सिमम आएगा, and that is our F, ठीक है ना, okay, very nice. तो कब टॉर्क मैक्सिमम आए, देखो बेटा यहाँ समझाएंगे, ये भी समझाएंगे आपको, देखो बेटा यहाँ है 90 के लिए, तो यहाँ थीटा इज इक्वल, देखो बेटा कैसे, ये बेटा x एक्सिस है, ये बेटा यहाँ y एक्सिस है, ठीक है ना, ये बेटा यहाँ z एक्सिस है, बेटा यहाँ ये ओरिजिन है, देखो बेटा ये पार्टिकल है, देखो ठीक है ना, लेट दिस पार्टिकल ऑफ मास इज हैव यहाँ से यहाँ तक बेटा, ये क्या है इसका पोजिशन वेक्टर, पोजिशन वेक्टर और अगर फोर्स ऐसे करेंगे अप्लाई, देखो बेटा ऐसे करेंगे एफ अप्लाई, एफ दैट इज यहाँ इसके साथ आर वेक्टर के साथ डायरेक्शन ऑफ आर के साथ कितना एंगल बनाएगा, थीटा इज इक्वल टू 90, देखो बेटा ये इसका मैक्सिमम टॉर्क देगा, यहाँ मैक्सिमम टॉर्क देगा ऐसे, क्योंकि ये डायरेक्शन ऐसे लग रहा है ना, फोर्स ऐसे इसको लग रहा है, तो ये वाला फोर्स इसको क्या देगा बेटा, मैक्सिमम मैक्सिमम, ये रोटेट करेगा इसको अबाउट दिस ओरिजिन। अगर बेटा यहाँ पोजीशन वेक्टर आर है, ठीक है ना, देखो बेटा यहाँ ऐसे मानेंगे, देखो बेटा सपोज यहाँ है ये, देखो देखो यहाँ है, यहाँ देखो देखो ये यहाँ है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है बेटा, ये आर है यहाँ से यहाँ तक पोजीशन वेक्टर आर, और मैंने फोर्स बेटा इसको ऐसे दे दिया, ऐसे ऐसे दे दिया, ऐसे दे दिया, तुमने रोटेट किया अबाउट दिस हिंज, यहाँ ने रोटेट किया, मैंने इसको फोर्स परपेंडिकुलर लगाया टू द पोजीशन वेक्टर आर, यहाँ पोजीशन वेक्टर आर है, मैंने इसको बेटा ऐसे किया, ये रोटेट हो गया, तो मैक्सिमम रोटेशन व्हेन एंगल बिटवीन आर एंड एफ इज 90, दैट इट एग्जीक्यूट्स मैक्सिमम टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क एग्जीक्यूट करे, आई बात समझ में। अरे तभी जो है ना, जो गारमेंट डोर होता है ना, डोर को कहां हम पुश करते हैं, यहां हम ऐसे करते हैं, नहीं हम इसको ऐसे धक्का देते हैं, दैट फोर्स इज परपेंडिकुलर टू पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर इज हियर फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहां से यहां तक ये है, दैट इज पोजीशन वेक्टर इज आल्सो नोन एज फोर्स आर्म, लेवर आर्म कहते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दिस फोर्स एंड इसको कहते हैं, ठीक है ना, एंगल बिटवीन आर एंड एफ शुड बी 90, देन इट विल एग्जीक्यूट मैक्सिमम टॉर्क, ठीक है ना, ओके वेरी नाइस। देखो बेटा क्या है, सी डियर आप क्या है, केस थर्ड क्या है बेटा, देखो केस थर्ड क्या है,
तो आगे लिखेंगे टाउ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। तो टार कितने फैक्टर्स पर डिपेंड करता है बेटा? तीन फैक्टर्स पर। जितनी लेंथ ज्यादा होगी, जितना ये पोजीशन वेक्टर ज्यादा होगा, इतना बेटा क्या होगा, इतना टॉर्क ज्यादा होगा। जितना फोर्स अब ज्यादा अप्लाई करेंगे, इतना टॉर्क ज्यादा होगा। और थीटा कितना होना चाहिए? थीटा होना चाहिए बेटा 90, तब साइन 90 पर। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1। क्या होता है साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू? क्या होता है साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है बेटा? ये होता है बेटा 1। तो जब ये थीटा 90 हो और एफ इज मैक्सिमम, मैक्सिमम फोर्स आप अप्लाई करोगे, मैक्सिमम फोर्स, तो टॉर्क ज्यादा। अगर थीटा 90 तो टॉर्क ज्यादा। अगर आर ज्यादा, ये ज्यादा, ये आर ज्यादा दूरी पर, आप इसको देखो बेटा, समझाएंगे आपको। देखो रेंज जानते हो ना, रेंज देखो बेटा, देखो बेटा मोर देन आर, ये दिखाएंगे बेटा यहाँ, ये टॉर्क, ये केस फोर क्या है, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है ना। मोर द पोजिशन वैक्टर, मोर द लेंथ ऑफ पोजिशन वैक्टर, मोर द लेंथ ऑफ पोजिशन वैक्टर, मोर इज द टॉर्क, मोर द लेंथ ऑफ द पोजिशन वैक्टर, मोर इज द टॉर्क। देखो बेटा कैसे दिखाएंगे, देखो बेटा सपोज ये यहां बेटा, समझाएंगे आपको, ठीक है ना। देखो ये रेंज है, ये रेंज है ना, यहाँ ये नॉट है, मान लीजिए नॉट है। अब ये रेंज यहाँ ऐसे लगा, इसको ऐसे रेंज है, ये समझाएंगे बेटा आपको, समझाएंगे। देखो बेटा ये नॉट है, क्या है ये भी नॉट बेटा, ये क्या, ये ओपन करना है, ये अनलॉक करना है, ये नॉट, ये है बेटा रेंज जो है ना, रेंज ये लंबा बनाते हैं, लंबा इसका यहाँ। देखो बेटा क्या है ये, देखो देखो बेटा, यहाँ मैंने फोर्स अप्लाई किया, यहाँ बेटा मान लीजिए यहाँ फोर्स, यहाँ मैंने अप्लाई किया 90 पर, यहाँ 90 बेटा, यहाँ 90 है, ये बेटा आर है, ये बेटा आर के है, ठीक है। जितना ये यहाँ दूर से, जहां बेटा जितना यहाँ बेटा दूर से आप करोगे, अगर यहाँ बेटा आप ऐसे करोगे तो फोर्स काम लगेगा, तो टार्क भी काम लगेगा, यहाँ फोर्स लगेगा बिल्कुल ठीक, लेकिन टार्क नहीं लगेगा इसको अगर यहाँ आप यहाँ खींचते हैं। क्यों? कि मोर द आर, मोर द आर, मोर द, जितनी लेंथ ज्यादा है इतना आप यहाँ करोगे तो ये रोटेट करेगा इतना, और ये नट अनलॉक हो जाएगा रेंज से। ये रेंज है बेटा, रेंज, रेंज को जानते हो, जो अक्सर नल जो है ना, वो इरिगेशन वाले फिटर होते हैं ना, नलके वाले जो होते हैं, ओके वेरी नाइस, नल का फिटर जो होता है, इसके पास रेंज होता है, तो ये यहाँ बेटा लंबा होता है। ये क्यों लंबा होता है? क्योंकि ऐसा करने से टॉर्क ज्यादा मिलता है, टॉर्क ज्यादा मिलता है, मोर द आर, मोर द टॉर्क, टॉर्क इज डायरेक्टली बेटा, ओके। अगर बेटा आप यहाँ फोर्स लगाएंगे तो ये टॉर्क ज्यादा नहीं देगा, कम टॉर्क देगा, लेकिन अगर यहाँ देंगे फोर्स तो बेटा टॉर्क ज्यादा ज्यादा बढ़ेगा, अगर यहाँ फोर्स ज्यादा ज्यादा, लेकिन यहाँ थीटा होना चाहिए, थीटा होना चाहिए आर और एफ, ये एफ दिस इज आर, इसके दरमियान थीटा क्या होना चाहिए 90, और फोर्स भी बेटा कमजोर तो नहीं होना चाहिए, जो आदमी इसको खींचेगा वो तो मजबूत भी होना चाहिए ना, कोई बच्चा भी नहीं होना चाहिए। तो आर एफ और थीटा पर डिपेंड करता है टॉर्क, दैट इज रोटेटिंग, कितना ये रोटेट देगा इसको, एंड मोर इसको रोटेशन देगा मोर इसकी टॉर्क होगी। आई बात समझ में? हाँ 100% सर आया समझ में, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो अगर बेटा आपको टॉर्क समझ में आया, मान लो कि आपको एंगुलर मोमेंटम भी समझ में आएगा, जैसे कि पावर एंड वर्क गो साइड बाय साइड, ऐसे यहाँ टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम साथ साथ चलते हैं, साथ साथ चलते हैं, साइमल्टेनियसली गो साइड बाय साइड। अब यही बात समझ में, समझ लो, ओके वेरी नाइस, गुड गुड सिटेड एंड गुड। देखो बेटा अब मैं यहाँ इसको मिटाने वाला हूँ, देखो मैं इसको साफ करूंगा, देखो बेटे अब यहाँ अच्छी सी बात है, और कोई अच्छी सी बात है, देखो बेटे। तो टॉर्क आपको पता चला है कि मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इज आर एफ साइन थीटा, क्या होता है टॉर्क, टॉर्क का मैग्नीट्यूड होता है आर एफ साइन थीटा, ठीक है बेटा। देखो क्या करें, ये मेरे बेटा एक्स एक्सिस ले ली, और बेटा मैंने यहाँ ये वाई एक्सिस, ठीक है ना, हमेशा की तरह, और बेटा ये जेड एक्सिस है ना, और बेटा ये ओरिजिन होगी। तो देखो बेटा क्या है, अगर ये पार्टिकल है ऑफ मास m, ठीक है ना, तो बेटा यहाँ से यहाँ तक ये क्या है बेटा, ये ओरिजिन से ये पोजिशन वेक्टर है, मान लीजिए मैंने फोर्स ऐसे अप्लाई किया है ना, ठीक है, वेरी नाइस, एंड दैट एफ मेक्स स्मॉलर एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ आर, ठीक है। एक तरीका यह है कि यह टॉर्क लिखेगा, देखो बेटा टॉर्क हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर आर साइन आर, बेटा आर ऐसे लिखेंगे तो पहले क्या लिखिए, एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा, देखो क्या लिखा मैंने, आर यहां रखा और एफ साइन थीटा को मैंने ऐसे लिखा, देखो
Now resolve this F into how many components beta? Two components. एक और तरीका लिखने का है torque. Torque का एक और तरीका. This is very beautiful point here. Beautiful point. अच्छी बात है, यहाँ beautiful point है बेटा. क्या बेटा मैंने कहा कि resolve F into two components. अगर यहाँ along the direction of R तो ये बेटा क्या आएगा? F cos theta. तो बेटा अगर यहाँ resolve करोगे तो बेटा ये आएगा F sin theta. किसका component है आपका? ठीक है ना? तो देखो बेटा ये F cos theta, इसको बेटा कोई रोटेशन नहीं देगा तो कौन देगा? F sin theta. ये F sin theta क्या है? ट्रांसवर्स कंपोनेंट है, ट्रांसवर्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट है. इसको कहते हैं F perpendicular. क्या कहते हैं? F perpendicular to R, F transverse to R. और F cos theta क्या है? इट इज अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ R. इसको रेडियल कंपोनेंट कहेंगे, रेडियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, रेडियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स. लेकिन बेटा इसको कहते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट और ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स. क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स. ट्रांसवर्स कहो या बेटा इसको कहो क्या कहो? परपेंडिकुलर कंपोनेंट. दैट इज परपेंडिकुलर टू व्हाट? परपेंडिकुलर टू पोजीशन वेक्टर आर. ओके, वेरी नाइस. ये एफ साइन थीटा क्या है? ये एफ परपेंडिकुलर, ये वाला कंपोनेंट है. तो यहां क्या लिखो? टॉर्क इज इक्वल टू आर बेटा एफ परपेंडिकुलर. तो एफ परपेंडिकुलर क्या है बेटा? ये एफ परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट है? हियर एफ परपेंडिकुलर इज इट ये है ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स. ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स आर बेटा इसको कहेंगे परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स. परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू व्हाट? परपेंडिकुलर टू बेटा आर. ये याद रखना, परपेंडिकुलर टू आर. ठीक है ना? ये भी ठीक है. अरे मैंने क्या लिखा? वायर एफ, वायर एफ परपेंडिकुलर किसके बराबर है? ये एफ परपेंडिकुलर बेटा किसके बराबर? वो तो यहां दिया गया है, पर किसके बराबर है बेटा? एफ साइन थीटा के बराबर. याद रखना. तो बेटा क्या लिखा मैंने? ये भी एक तरीका लिखने का है. तो क्या है टॉर्क? अरे टॉर्क इज ऑल्सो डिफाइंड एज द सिंपल प्रोडक्ट. ये सिंपल है, ना डॉट है ना क्रॉस है, ये सिंपल प्रोडक्ट है. टॉर्क इज ऑल्सो डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. Product of force and product of R kya hai? R is here perpendicular distance of the line of action of force from the actual point. Kya hai? What is R? R to position vector bhi hai, lekin R ka dusra naam pad gaya yahan. Kya hai? R is here. R beta kya hai? Yahan position vector ke alawa kya hai ye beta? R here is line of action of perpendicular distance. Perpendicular distance of line of action of force. क्योंकि ये F perpendicular क्या है? Line of action of R is perpendicular distance of the line of action of the force from the axis of rotation. From the axis point क्या है? Torque is also defined as the product of the perpendicular distance of line of action of force from actual point and the force. और बेटा किसका फोर्स, किसका प्रोडक्ट है? and the फोर्स. ठीक है ना? एंड द फोर्स. तो ये फोर्स देखो बेटा. तो ये यहां बेटा ऐसे भी लिखेंगे क्या? टॉर्क इज ऑल्सो डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस. Product of perpendicular distance, that is perpendicular distance, is ke perpendicular. Perpendicular distance of the line of action. Yeh hai line of action of the force. Perpendicular distance of line of action. Line of action ke perpendicular from the kahan se? From the axis of rotation. Action point and the force. And the kya hai beta? Force. Yeh to force hai na. Okay, very nice. Aayi baat samjhe. Kya hai? Arey, yeh torque hai R into F perpendicular. Yeh kya hai? R यहाँ मैंने कहा R is the perpendicular distance of the line of action of force from the axial point into क्या है? Into force, and that will give us torque about this point. Okay, very nice. Okay,
तो देखो बेटा क्या है नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ दिखाएंगे एक और पॉइंट, देखो बेटा एक और पॉइंट, एक अच्छा सा पॉइंट देखो, यहाँ ये भी लिख सकते हैं बेटा। देखो आप यहाँ मैंने x एक्सिस बेटा, ये y एक्सिस हमेशा की तरह ठीक है ना, और बेटा ये z एक्सिस, और बेटा मैंने यहाँ ऑरिजिन लिया, और यहाँ बेटा मैंने मास ले लिया m ठीक है ना, और बेटा ये क्या है इसका, ये बेटा पोजीशन वेक्टर r है ना, ओके। तो बेटा यहाँ मैंने अप्लाई किया फोर्स f ठीक है ना, ओके वेरी नाइस, ये f है। तो बेटा ये क्या है यहाँ थीटा, तो थीटा इज द स्मॉलर एंगल बिटवीन किसके के दरमियान बेटा, ये है f और बेटा किसके दरमियान, पोजीशन वेक्टर r के दरमियान स्मॉलर एंगल। आप देखो बेटा क्या है, मैं ऐसे तो पोजीशन मैं इसको आगे ले जाऊंगा ऐसे 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 ऐसे, देखो बेटा क्या है, और यहाँ लगाऊंगा परपेंडिकुलर, समझाऊंगा बेटा। तो ये क्या है यहाँ, ये आर है, यहाँ अगर थीटा है बेटा ये भी थीटा है, क्योंकि मैंने इसको वापस बढ़ा, ये है क्या वर्टिकली आप पूछ देंगे। आर का यहाँ कौन सा कंपोनेंट है, ये आर का बेटा आर साइन थीटा कंपोनेंट है, और आर का ये कौन सा, क्योंकि यहाँ 90 है, यहाँ 90 है, ये 90 है, यहाँ मैंने परपेंडिकुलर डाला बेटा, परपेंडिकुलर डाला इस पर डाला। तो बेटा यहाँ आर का कौन सा कंपोनेंट आर साइन थीटा, और आर का ये कंपोनेंट कौन सा है आर कॉस थीटा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। आप देखो बेटा टॉर्क अगेन कैसे लिखेंगे, टॉर्क टॉर्क लिखेंगे आर एफ साइन थीटा, तो आपको पता है। अब मैं यहाँ इसे लिखूंगा टॉर्क इज इक्वल टू पहले आर साइन थीटा लिखूंगा, आर साइन थीटा इंटू बेटा एफ लिखेंगे ठीक है। ये आर साइन थीटा किसके बारे में, ये आर साइन थीटा है, इट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये है, and this is the perpendicular distance of line of action of force from the axis of point. आई बात समझ में, ठीक है ना, ओके क्या है, what is r, it is क्या है बेटा, ये r sin theta, यहाँ लिखो बेटा, मान लीजिए कि ये p है बेटा, यहाँ मान लीजिए t है ठीक है ना, या s लिख लो बेटा, तो os क्या है, what is os, तो बेटा os क्या है, तो टॉर्क तो बेटा ऐसी लिखो, ये क्या है, ये आर का, ये आर का आर परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, दैट इज आर साइन थीटा, और ये आर का कौन सा कंपोनेंट है, ये देखो बेटा क्या है यहाँ लिखेंगे, हाँ ये तो परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर, फोर्स के परपेंडिकुलर, और ये है आर पैरेलल, ये है आर पैरेलल, पैरेलल किसके, फोर्स के पैरेलल में है, दिस इज आर, आर कंपोनेंट ऑफ आर पैरेलल दैट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, एंड दिस इज आर पॉइंट परपेंडिकुलर बट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स के परपेंडिकुलर में है, ये ठीक है। मैं लिखूंगा यहाँ बेटा इसको आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू व्हाट, परपेंडिकुलर टू फोर्स, एंड बेटा लिखेंगे फोर्स ठीक है, ये है एक और डेफिनेशन, वेयर आर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू, इज इक्वल टू बेटा किसके बाद, आर साइन थीटा, ये क्या है, इट इज परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ आर, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ आर किसका, आर परपेंडिकुलर टू व्हाट, परपेंडिकुलर टू एफ बेटा, एफ परपेंडिकुलर टू एफ, एंड दिस इज आर साइन थीटा इज आर पैरेलल एंड इट इज पैरेलल टू एफ, ओके वेरी नाइस, आई बात समझ में, ये भी अच्छा है, अच्छा है ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, व्हाट इज आर, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड इनटू फोर्स, सिमिलर जो पहले मैंने कहा है, ये क्या है, इट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स यहाँ है, क्या है, इट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ, ऑल्सो इट इज ऑल्सो क्या है, इट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, फ्रॉम कहा, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स लेकिन कहा, फ्रॉम एक्शन पॉइंट ओ, फ्रॉम एक्शन पॉइंट ओ, अबाउट विच इट इज रोटेटिंग, अबाउट विच इट इज रोटेटिंग, ओके what is r perpendicular, it is the perpendicular distance of the line of action of force from action point o, okay, and f is force, aayi baat samajh mein, ye bhi tarika hai likhne ka, okay very nice। to beta ab yahan thoda batayenge aap, thoda beta numerical karenge, thoda karenge, okay very nice। पानी पीऊंगा लेकिन न्यूमेरिकल दिखाऊंगा बेटा, देखो क्या है, न्यूमेरिकल दिखाऊंगा, पहले पानी का एक ग्लास तब ट्राई करो, तब तक ट्राई करो। एक बेटा अगर आर पोजीशन वेक्टर है बेटा, यहां लिखेंगे अगर आर है बेटा, क्या है आर, इफ आर इज टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप ठीक है ना, एंड एफ इज बेटा, एफ कितना है, F is 3i cap plus beta ये है 4j cap, find, find torque,
एंटर, ट्राई कर लो बेटा तब तक जब तक मैं पानी पीऊंगा, ट्राई कर लो और मैं इसका सोल्यूशन बताऊंगा, हाँ तब तक ट्राई कर लो, तब तक मैं पानी की एक वेरी नाइस, वेलकम बैक। ओके वेरी नाइस बेटा, क्या आपने ट्राई की? देखो बेटा क्या होगा, यू नो दैट बेटा वेरी इजी क्रॉस ब्रिज, आप जाना, आपको क्रॉस ब्रिज जाना चाहिए बस, और कुछ नहीं, वेक्टर्स आने चाहिए सीरीज बेटा। आपको पता है कि टॉर्क किसके बाद है? टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ठीक है ना? देखो बेटा टॉर्क किसके बाद आएगा? आर क्या लिखेंगे बेटा? यहाँ टू आई कैप प्लस बेटा यहाँ लिखेंगे थ्री जे कैप बेटा, क्रॉस लिखेंगे किसके साथ बेटा? 3i cap plus beta 4j cap, ठीक है, nice, okay, very nice. तो करो सवाल बेटा, तो टार किसके बाद आएगा? पहले 2 को किसके साथ करो सर? ये सिंपल सर, 2 3 सर 6, लेकिन बेटा यहां आएगा i cross i dot, नहीं क्रॉस आएगा, यहां क्रॉस है बिल्कुल, i cross i प्लस बेटा 2 को किसके साथ? 2 4 सर 8 बेटा, यहां लिखो i cap cross j cap प्लस बेटा यहां लिखो 3 3 सर 9 बेटा, यहां लिखो j cap cross i cap, फिर बेटा लिखो 3 4 सर 12 और बेटा यहां लिखो j cap cross j cap, ओके वेरी नाइस। तो देखो बेटा आपको ये फार्मूला आना चाहिए, ज़बान याद रखो बेटा, i cross i इज इक्वल टू j cross j, ये दिखा, ये बेटा पता होनी चाहिए, इनटू k cross k बेटा, ये जीरो के बराबर है, फार्मूला है, क्या है फार्मूला, क्या लिखा मैंने? i cross i बेटा किसके बाद? j cross j इज इक्वल टू k cross k जीरो के बाद। देखो बेटा क्योंकि थीटा यहां, जब दोनों आए, यहाँ आए है बेटा मान लीजिए, और इसी डायरेक्शन में आए है, तो थीटा इनके दरमियान क्या है? जीरो। व्हेन थीटा इज जीरो तो साइन जीरो क्या आएगा? जीरो। तो मैग्नीट्यूड आएगा ना जीरो, जब थीटा है जीरो, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी किसी होता है? ए क्रॉस बी बेटा, इसका मैग्नीट्यूड होता है ना ए बी साइन थीटा, तो अगर थीटा जीरो है तो ये क्या आ गया? जीरो। तो बेटा यहाँ लिखेंगे सीक्वेंस एन, तो बेटा ये जीरो है प्लस बेटा एट, आई क्रॉस जे के बराबर होता है, आई क्रॉस जे बेटा के बराबर होता है, अभी समझाऊंगा, प्लस 9 इंटू जे क्रॉस आई बेटा ये माइनस के बराबर होता है, प्लस बेटा 12 एंड जे क्रॉस जे बेटा जीरो के बराबर होता है, समझाएंगे बेटा आप थोड़ा याद को समझाएंगे कैसे, तो सीखिए जीरो जीरो इज इक्वल टू जीरो बेटा, ये 8 के है बेटा, यहाँ ये माइनस 9 के है माइनस, तो प्लस माइनस आएगा बेटा 9 के, तो बेटा यहाँ लिखेंगे 8 के को क्या सबट्रैक्ट करो 9 के, तो ये आएगा माइनस के, तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क? तो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज, अरे टॉर्क की डायरेक्शन आ गई माइनस के, तो ये कहाँ कहाँ है? नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ, नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ, बिकॉज के इज द डायरेक्शन अलॉन्ग पॉजिटिव जेड एक्सिस, बट माइनस के इज अलॉन्ग माइनस जेड, तो टॉर्क आ गया माइनस जेड एक्सिस की तरफ डायरेक्शन। आई बात समझ में? अब यहाँ लिखना है कि ये आई क्रॉस ये थोड़ा आपको पता होनी चाहिए, आई क्रॉस आई, देखो बेटा ये थोड़ा समझाएंगे आपको, देखो यहाँ दिखाएंगे बेटा आई जे और के, थोड़ा याद रखो बेटा, देखो समझाएंगे एक बार बस, फिर कुटा याद रखो। देखो बेटा अगर यहाँ मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स और बेटा यहाँ मैंने वाई ले लिया और बेटा यहाँ मैंने जेड ले लिया, ठीक है ना? तो बेटा आपको पता है कि एक्स एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर आई ले रहे हैं और वाई एक्सिस की तरफ बेटा जे ले रहे और डायरेक्शन ले रहे हैं यहाँ के कैप, ठीक है ना? देखो बेटा क्या है, अगर आप करोगे पहले आई क्रॉस आई, देखो बेटा मैंने कहा कि आई क्रॉस आई किसके बराबर होगा? आई का मैग्नीट्यूड कितना है? 1। आई का मैग्नीट्यूड कितना है? 1। साइन ए बेटा इनके दरमियान, आई और आई के दरमियान क्या आएगा? थीटा जीरो, तो साइन जीरो, तो बेटा 1 इंटू 1 साइन जीरो क्या आया? जीरो। तो आई क्रॉस आई क्या आया? जीरो, याद रहा। तो यहाँ आई क्रॉस आई अगर जीरो तो जे क्रॉस जे भी जीरो बेटा, के क्रॉस के भी बेटा किसके बराबर? जीरो, ये याद रखा। ओके वही लिखा मैंने, क्या लिखा नक्शन में मैंने यहाँ लिखा क्या लिखा था? ये न्यूमेरिकल तब आएगी जब आपको ये पता होगी। तो बेटे मैंने यहाँ लिखा आई क्रॉस आई इज इक्वल टू जी क्रॉस जे इज इक्वल टू के क्रॉस के इज इक्वल टू बेटा लिखा था मैंने जीरो। अब बेटे क्या करेंगे आप, ये तो पता है आपको, ओके बेटे देखो। अब दूसरा केस है कि आई क्रॉस जे करेंगे, आई क्रॉस जे किसके बराबर आएगा? आई क्रॉस जे, देखो बेटा आई क्रॉस जे है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? मैग्नीट्यूड ऑफ आई, इसका मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ जे इंटू साइन थीटा, थीटा कितना है बेटा इनके दरमियान? देखो मैग्नीट्यूड ऑफ आई तो 1 है, यूनिट वेक्टर इसका 1 है, थीटा इनके दरमियान क्या है? थीटा आई और जे के 90, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, थीटा कितना है? 90, तो यहाँ लिखेंगे साइन 90, ठीक है ना? 1 इंटू साइन 90 इज 1, तो 1 आ गया। तो व्हाट इज आई क्रॉस जे? आई क्रॉस जे इज 1, याद रहा,
अरे आई क्रॉस जे बांध तो है लेकिन हाँ डायरेक्शन है इसकी मैग्नेट है, लेकिन डायरेक्शन क्या है इसकी आई क्रॉस जे, देखो आई को क्रॉस करो जे की तरफ, तो ये के की तरफ आएगा। यहाँ ये यूनिट वेक्टर के लिखो, देखो बेटा ये आई क्रॉस जे का मैग्नेट है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये आई क्रॉस जे का मैग्नेट है, लेकिन के यूनिट वेक्टर डायरेक्शन है आई क्रॉस जे का, इट इज अनदर वेक्टर, कौन सा है के। आई क्रॉस जे वन इंटू बेटा यहाँ यूनिट वेक्टर के है, तो के ही है के। आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ के क्या, देखो आई क्रॉस जे वेक्टर, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज मैग्नीट्यूड इज आई मैग्नीट्यूड ऑफ आई मैग्नीट्यूड ऑफ साइन थीटा, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या है के, क्योंकि के इज ए वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ आई एज वेल एज जे अकॉर्डिंग टू राइट हैंड, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल। देखो आई क्रॉस जे आई टू जे तो ऐसे आएगा, एंड पॉजिटिव आएगा ये जे जेड है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ही आ गया, तो आई क्रॉस जे क्या आ गया बेटा, याद रखो आई क्रॉस जे आ गया के के बराबर, याद रखो। सिमिलरली बेटा जे क्रॉस के किसके बराबर आएगा, आई के बराबर, जे क्रॉस के आई के बराबर, और बेटा आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, बेटा यहां ना गलती होगी, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, और बेटा के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे, ये याद रखना, ठीक है, याद रखना बेटा जबानी याद रखना, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे। अगर आप रिवर्स में करेंगे बेटा जे क्रॉस आई तो ये बेटा माइनस किया आएगा, इनका रिवर्स, अगर के क्रॉस बेटा जे कैप लिखेंगे तो बेटा ये आएगा माइनस आई, तो बेटा अगर आप लिखेंगे आई क्रॉस के रिवर्स में लिखेंगे तो ये बेटा आएगा माइनस जे, याद रखना, याद रखना बेटा, क्यों? देखो बेटा अगर आई क्रॉस जे यहाँ ऐसे आ गया के, अगर आई क्रॉस जे बेटा आ गया यहाँ ऐसे के, ठीक है ना, देखो बेटा अगर आप जे क्रॉस के करोगे तो यहाँ ऐसे, तो ये क्या आएगा माइनस, अगर आप क्या करोगे बेटा जे क्रॉस इसका क्या जे क्रॉस, तो ये बेटा कहाँ आएगा नीचे, अगर ये पॉजिटिव एक्सिस है तो यहाँ नीचे क्या है नेगेटिव एक्सिस है, तो ये बेटा माइनस क्या आएगा, ऐसे ही बेटा याद रखना, ये आप इसके लिए ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक कैसे याद रखोगे, ये आप यहाँ सर्कल बनाएंगे ऐसे बेटा, ठीक है ना, इसको तीन हिस्सों में डिवाइड करो ऐसे, ये पार्ट लिखो बेटा आई, ठीक है आई कैप, ये पार्ट लिखो बेटा जे कैप, और ये लिखो के कैप, अगर आप इसको बेटा क्लॉक वाइज जाओगे क्लॉक, तो आई क्रॉस जे लिखोगे, आई क्रॉस जे लिखोगे बेटा के, हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, जे क्रॉस के लिखोगे किस में, अगर क्लॉक वाइज में जाओगे, क्लॉक वाइज है ना, जे क्रॉस अगर क्लॉक वाइज जाओगे, जे क्रॉस के क्या आएगा बेटा, जे क्रॉस के आएगा बेटा आई, और बेटा के क्रॉस क्या आएगा, के क्रॉस आई आएगा बेटा, किसके बराबर, जे के बराबर, ये याद रखना। अब बेटा अगर रिवर्स करोगे, रिवर्स करोगे, रिवर्स पे जाओगे, देखो बेटा रिवर्स पे क्या करोगे, देखो सीढ़ी है, अगर आप ऐसे जाओगे बेटा, आप याद रखना ऐसे रिवर्स में एंटी क्लॉक वाइज जाओगे, अगर आप क्या जाओगे एंटी क्लॉक वाइज, तो नेगेटिव लिखना इनका, यही लिखने का नेगेटिव, देखो पहले किसका आई क्रॉस के लिखना बेटा, ये जे के बाद लिखना माइनस जे, तो के क्रॉस जे, ये ट्रिक है बेटा, के क्रॉस जे, तो बेटा क्योंकि एंटी क्लॉक वाइज तो माइनस लिखना, माइनस बेटा आई, तो बेटा आई जे क्रॉस आई, तो बेटा ये लिखना माइनस की, याद रखा, ओके वेरी नाइस, ये याद रखना, याद रखना हमेशा, जब तक आप जिंदा हैं इस दुनिया में, जब तक फिजिक्स पढ़ोगे, ओके तब तक, जब तक आप नीट और जेई क्वालिफाई ना करोगे, फिर तो छोड़ोगे, फिर तो छोड़ना ही, देखो ओके नाइस, ठीक हो सीधे आप बेटा क्या, देखो देखो आप क्या है, देखो आप यहाँ लिखेंगे टॉर्क इन कोटिजन कोऑर्डिनेट्स, टॉर्क इन, यही ये कोटिजन में लिखा था, लेकिन अब थोड़ा आपको समझाइए और कुछ, टॉर्क इन कंपोनेंट्स, वो तो कंपोनेंट में ही लिखा था तो, लेकिन आप एक्जेक्टली बनाएंगे थोड़ा थ्री डायमेंशन में लिखे, टॉर्क इन थ्री डायमेंशन, पहले मैंने टू डायमेंशन को, आप थ्री डायमेंशन लिखे, देखो बेटा क्या है, सिनस बेटा आप जानते हो, सिनस बेटा आप जानते हो टॉर्क किसके बराबर है, टॉर्क, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, बेटा टॉर्क किसके बराबर है, आर क्रॉस एफ के बराबर, ठीक है ना, देखो बेटा टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ओके, तो बेटा सी डी है यहाँ बेटा टॉर्क है, टाउ थ्री डायमेंशन में क्या होगा, टाउ इज इक्वल टू टाउ एक्स आई प्लस टाउ वाई जे प्लस टाउ जेड के, एंड आर क्या लिखोगे बेटा, आर वेक्टर, आर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस बेटा यहाँ लिखेंगे जेड के कैप, एंड बेटा एफ क्या लिखोगे इन इन थ्री डायमेंशन, एफ एक्स आई थ्री कंपोनेंट प्लस एफ वाई जे कैप प्लस बेटा एफ जेड के कैप, करो क्रॉस प्रोडक्ट, जो मैंने अभी बताया वही बेटा समझ में आना चाहिए, कर लो,
तो क्या आएगा बेटे यहाँ? ओके वेरी नाइस। तो बेटा टार किसके बराबर आएगा? टार आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, ठीक है ना? करो बेटा यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के क्रॉस करेंगे एफ के साथ, एफ एक्स आई कैप एफ वाई जे कैप प्लस बेटा लिखेंगे एफ जेड के कैप। करो बेटा करो, लिखो बेटा लिखो लिखो, जल्दी करेंगे साहब, कुछ भी नहीं है, मजेदार चीज है, जल्दी लिखो लिखो बेटा जल्दी। तो बेटा टाव किसके बाद आएगा? टाव, ठीक है ना? पहले इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर करो करो बेटा करो जरा, पहले एक्स आई को इस सबके साथ एक तरीका, फिर वाई जे को इसके सबके साथ, फिर जेड के को इसको सबके साथ, करो बेटा प्रयास करो। पहले लिखेंगे एक्स बेटा, क्या लिखेंगे एक्स, क्या लिखेंगे एक्स, एक्स एफ एक्स, एक्स एफ एक्स की मैग्नीट्यूड है सीधे जरा, एक्स एफ एक्स, फिर क्या लिखेंगे आई क्रॉस आई, आई क्रॉस आई कैप, ओके फिर क्या लिखेंगे प्लस एक्स एफ वाई, एक्स एफ वाई बेटा क्या लिखेंगे आई क्रॉस जे कैप, आई क्रॉस जे कैप, फिर क्या लिखेंगे प्लस, प्लस लिखेंगे एक्स एफ जेड, एक्स एफ जेड बेटा क्या लिखेंगे फिर आई क्रॉस के, लेकिन आई वास में और आप किसके साथ जाओ, आप इस वाई जेड के सारे के साथ जाओ करो, लेकिन प्रयास करना है। तो यहां लिखेंगे बेटा पहले क्या लिखेंगे वाई एफ एक्स जे क्रॉस आई, ठीक है ना? y f x j cross i, ठीक है ना? प्लस y f y बेटा क्या है j cross j, y f y j cross j, प्लस क्या लिखेंगे बेटा? प्लस लिखेंगे y f z, y f z बेटा लिखेंगे यहाँ j cross k, समझ लो बेटा इजी है। अब किसके साथ? आप इस z के साथ देते दे लो बेटा, z बेटा लिखो z f x बेटा, ये आएगा k क्रॉस i, ठीक है ना? प्लस z f y k क्रॉस j, सिमिलरली प्लस बेटा z f z बेटा आएगा k क्रॉस k, देखो बेटा सीरियस। अब i क्रॉस i जीरो, ठीक है ना? कहाँ है वे i क्रॉस j, क्रॉस j जीरो, k क्रॉस k जीरो, दी स्टॉर्म्स ये भी जीरो बनेगी बेटा, ये भी जीरो बनेगी और ये भी जीरो, ओके आई बात समझ में, ये साफ करेंगे, ठीक है ना? ओके वेरी नाइस। तो टॉर्क किसके बराबर आएगा? टॉर्क वेक्टर, टॉर्क वेक्टर, ये टॉर्क है ना एक्चुअली, किसके बराबर है ये बेटा? एक्चुअली है टाउ एक्स आई कैप प्लस टाउ वाई जे कैप प्लस एक्चुअली टाउ जेड की कैप के बराबर, क्योंकि मैंने हर चीज लिखी इन टर्म्स ऑफ थ्री कोऑर्डिनेट्स, इन टर्म्स ऑफ थ्री डायमेंशंस, ओके थ्री कंपोनेंट्स में लिखा। देखो बेटा क्या जेड एफ एक्स, देखा क्या के क्रॉस आई किसके बराबर है? अरे जैसे मैंने कहा कि आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, अरे जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, ठीक है ना? और के क्रॉस आई इज इक्वल टू बेटा वही जो ट्रिक पहले वाली, के क्रॉस आई किसके बराबर है बेटा? जे के बराबर, ठीक है ना? करो के क्रॉस आई, ये के क्रॉस आई है तो किसके बराबर के क्रॉस, ये जे के बराबर, मतलब यहाँ नहीं है, ये नहीं, ये ऊपर वाला लिखना है ना, ये कहाँ कहाँ है, अरे कहाँ, ये नहीं है ना, ये तो ये है। अब यहाँ लिखेंगे ना, यहाँ लिखेंगे टाउ एक्स आई कैप, सॉरी सॉरी टाउ आई जे कैप प्लस टाउ जेड के कैप, ठीक है? ए इक्वल टू, देखो बेटा ये जीरो है। अब एक्स एफ वाई, एक्स एफ वाई आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे बेटे किसके बराबर है? के बराबर, ओके प्लस एक्स एफ जेड, ठीक है? देखो बेटा आई क्रॉस के, k क्रॉस i j के बराबर, तो i क्रॉस k किसके बराबर? माइनस j के बराबर, जो मैंने अभी सो सर्कल दिखाया, सर्कल में देखना, तो ये आएगा बेटा माइनस क्या आएगा j, तो बेटा यहां लिखेंगे प्लस y f x, तो j क्रॉस i, j क्रॉस i, i क्रॉस j k के बराबर, तो j क्रॉस i माइनस k के बराबर, माइनस k, ओके वेरी नाइस। प्लस बेटा यहां लिखेंगे y f z, ये तो जीरो है, ये तो जीरो है बेटा, जीरो प्लस क्या लिखेंगे y f z, ये लिखेंगे y f z, ठीक है ना? j क्रॉस k बेटा किसके बराबर? i कैप के बराबर, i कैप, ओके वेरी नाइस। अब यहां ये है प्लस बेटा क्या है z f x k क्रॉस i, k क्रॉस i तो j के बराबर है, प्लस बेटा z f y k क्रॉस j, k क्रॉस j, k क्रॉस k i तो ये कर माइनस i के बराबर, प्लस बेटा लिखेंगे यहां z f z, ये तो जीरो है, ये तो जीरो है, ओके वेरी नाइस। आप इसको समाओ, आप यहां बेटा इसको साफ करेंगे, हाँ सर करो साफ, इसको साफ, देखो बेटा टाउ एक्स आई कैप प्लस टाउ वाई जे कैप
प्लस टाउ जेड के कै बेटा किसके बराबर आएगा, तो यहाँ बेटा ये भी के के बराबर और ये भी के, ठीक है, कितने माइनस है ना, तो पहले लिखिए एक्स एफ वाई माइनस प्लस माइनस माइनस वाई एफ एक्स, लेकिन कॉमन क्या लिखेगा बेटा, कॉमन इन दोनों के कैप, ठीक है, अब प्लस के बाद क्या है, आई तो ये तो के कैप है, अब क्या है ये और ये हमने किया, अब जे वाला, तो जे वाला पहले क्या है यहाँ बेटा, देखो यहाँ ये बेटा क्या है, यहाँ लिखेंगे प्लस बेटा, ठीक है ना, प्लस तो ये क्या है यहाँ माइनस एक्स एफ जेड माइनस एक्स एफ जेड जे, तो जे ये भी है और जे ये भी है, प्लस जेड एफ एक्स और दोनों का कॉमन क्या है बेटा, कॉमन आएगा जे कैप कॉमन आएगा, अब क्या है ये भी और ये भी किया हमने, अब क्या रहा बेटा, अब ये और ये रहा बेटा, क्या करेंगे देख लो बेटा, वाई एफ जेड बेटा माइनस लिखेंगे प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस बेटा माइनस माइनस क्या लिखेंगे यहां प्लस है बेटे जेड एफ नहीं वाई एफ जेड हाँ जेड एफ वाई बेटा यहां लिखेंगे आई कैप, ओके आई बात समझ में, हाँ कॉमन किया बेटा, आप देखो देखो बेटा क्या है, पहले आई कैप ये वाला लिखेंगे पहले आई कैप वाला, क्योंकि यहाँ भी आई है ना पहले, देखो टाउ एक्स आई कैप प्लस टाउ वाई जे कैप प्लस टाउ जेड के कैप इज इक्वल टू आएगा बेटा, पहले ये लिखेंगे वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई बेटा लिखेंगे यहाँ आई कैप प्लस लिखेंगे फिर के जे का लिखेंगे जे जे का ये पहले प्लस फिर माइनस लिखेंगे क्या एक्स जेड एफ एक्स सॉरी जेड एफ एक्स माइनस एक्स एफ जेड इंटू जे कैप फिर बेटा प्लस क्या लिखेंगे प्लस एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स यहाँ बेटा के लिखा ठीक है ना, तो इक्वेट करो इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ आई जे एंड के बोथ साइड्स, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ आई जे एंड के बोथ साइड्स करो, बोथ साइड इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स करो बेटा, तो बेटा यहाँ क्या आएगा, यहाँ ये आई कैप का कोएफिशिएंट ये है, यहाँ आई कैप का कोएफिशिएंट ये है, क्या आएगा बेटा, तो देयरफॉर बेटा टाउ एक्स के बराबर है टाउ एक्स, तो ये आया बेटा वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई पहले, तो बेटा सिमिलरली बेटा क्या आएगा बताओ, टाउ वाई किसके बराबर आएगा, टाउ वाई आएगा बेटा बेटा शाबाश, ये आएगा जेड एफ एक्स माइनस एक्स एफ जेड, क्योंकि क्या है अब किसका कोएफिशिएंट है, जे का कोएफिशिएंट और ये जे का कोएफिशिएंट इक्वेट किया, अब के का कोएफिशिएंट यहाँ टाउ जेड है और के का कोएफिशिएंट बेटा ये है, करो इक्वेट, तो टाउ जेड क्या आएगा बेटा, टाउ जेड आएगा बेटा यहाँ एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स बेटा ये सब मान लिया, ये है, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ टाउ अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, हेयर पार्टिकल इज मूविंग, देखो बेटा पार्टिकल यहाँ वाइजर प्लेन पर वाई जेड प्लेन पर घूमता है और टार की डायरेक्शन एक्स एक्सिस है, यहाँ जेड एक्स प्लेन पर घूमता है लेकिन वाई की टार वाई की डायरेक्शन में, यहाँ ये एक्स वाई प्लेन पर घूमता है और टार की डायरेक्शन जेड एक्सिस पर है, याद रखना ये हमेशा याद रखना, हमेशा के लिए याद रख क्या है एक्स या वाई और जेड एक्स वाई जेड वाई एफ जेड, यहाँ इसको रिवर्स करो जेड एफ वाई, यहाँ क्या है वाई के बाद क्या है जेड फिर एफ एक्स और यहाँ इसको रिवर्स करो एक्स एफ जेड, जेड बेटा क्या बस एक्स जेड एक्स वाई इसको रिवर्स करो वाई माइनस एफ एक्स, याद रखने का तरीका ओके, बात आई समझ में बेटा, बहुत आसान, और बेटा देखो क्या है कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है बहुत आसान है, अब बेटा दिखाऊंगा क्या ये आ गए सब कुछ खत्म हो गया टार का, अब एंगुलर मोमेंटम का बिल्कुल इसी तरह है एंगुलर मोमेंटम, देखो बेटा एंगुलर मोमेंटम क्या है समझाएंगे थोड़ा ट्राई कर लो, सीडीआर एंगुलर मोमेंटम का क्या है बेटा, एंगुलर मोमेंटम का क्या है, एंगुलर मोमेंटम इज डिनोटेड बाय एल, ठीक है ना बेटा, देखो क्या है ये इट इज डिनोटेड बाय इट इज, देखो बेटा क्या है ये यहाँ ऐसे ही यहाँ एक्स है बेटा यहाँ वाई है बेटा ठीक है ना, यहाँ लिखेंगे जेड, देखो बेटा ये किसके बराबर है, एल इज डिफाइंड एज एंगुलर मोमेंटम इज डिफाइंड एज आर क्रॉस पी दैट इज इट इज इक्वल टू आर इज पोजिशन वैक्टर, यहाँ बेटा लिखेंगे देखो बेटा ये पार्टिकल ऑफ मास एम है, मान लीजिए इसका ये पोजिशन वैक्टर है आर और ये बेटा ऑरिजिन वो है, यहाँ अब एफ ने यहाँ लीनियर मोमेंटम लीनियर मोमेंटम ऐसे पी पी है पी इज लीनियर मोमेंटम नॉट फोर्स लीनियर मोमेंटम, तो बेटा यहाँ क्या है डायरेक्शन इसकी थीटा ठीक है ना, तो व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम इट इज डिफाइंड एज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेयर आर इज पोजिशन वेक्टर, एंड पी इज लीनियर मोमेंटम वेक्टर,
लीनियर मोमेंटम वेक्टर. सो एयर इज डिफाइंड एज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजिशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम वेक्टर. तो बेटा इजी है ना, बिल्कुल जैसे कि टॉर क्या था. तो बेटा टॉर क्या था, ऐसे हमने किया था ना, टॉर से पहले यहाँ बेटा ऐसे पार्टिकल था, ये इसका पोजिशन वेक्टर आर, फिर हमने फोर्स वेक्टर यहाँ लिया था. लेकिन फोर्स के बदले अब यहाँ क्या लेना है, यहाँ पी लेना है, आर तो सेम है, यहाँ हमने थीटा लिखा था. तो टॉर किसी बार हम लिखे थे टॉर आर क्रॉस एयर. It was the it is the direction of air. Direction of air is perpendicular. It is known as momentum, turning effect of momentum, rotating effect of momentum. ये क्या था? Turning effect of force, rotating effect of force, turning effect of force, rotating effect. ये क्या है? Turning effect of linear momentum, rotating effect of linear momentum, momentum is known as angular momentum. क्या है बेटे? Momentum आप यहाँ लिखेंगे, फिर air लिखेंगे, देखो बेटे. टर्निंग इफेक्ट ऑफ मोमेंटम, आर बेटा लिखेंगे रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ मोमेंटम, आर लिखेंगे बेटा इसको मोमेंट ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू, आर बेटा लिखेंगे मोमेंट ऑफ मोमेंटम, momentum of momentum is known as angular momentum, is known as beta isko kya kehte hain angular momentum, kya kehte hain, same case jo maine torque pe bataya, is known as angular momentum. Okay, aayi baat, turning effect of momentum, rotating effect of momentum or moment of momentum is known as angular momentum. To ye simple hai, iska method kya hai, rp sin theta. Ab direction of r l kya hai, the direction of L is perpendicular to both R and P, same जैसे कि टार्क में. तो R क्या लिखा हमने, R लिखा R cross P, ठीक है ना. तब direction किसकी देखनी है, direction of L की. It is perpendicular to both किसको बेटा, both R and P as per right hand thumb rule. R right hand thumb rule. Okay. And here R cross P ऐसे है तो यह क्या आएगा outward. And here direction of L is L की क्या है बेटा, ये क्या है, it means L, the direction of L is बेटा ये outwards है, same as that of R, बिल्कुल इसी तरह R पर हाथ रखो, R पर ऐसे और क्या करो ऐसे, तो ये outwards है यहाँ ऐसे. It is here along Z direction. क्या है बेटा, Z direction. तो ये Z direction में है, किस direction में है, Z direction, positive Z direction. And that is perpendicular to XY plane as well as plane containing R and P. Okay, very nice, आसान है ना. तो देखो बेटा स्पेशल केसेस क्या है इसका, आप क्या है एसेंट, क्या है एसेंट, तो एल इज इक्वल टू बेटा आर पी साइन थीटा, ठीक है ना. तो एसआई यूनिट ऑफ किसका, एल का बेटा, आर का मीटर है और लीनियर मोमेंटम का क्या है, लीनियर मोमेंटम पी किसके होता है बेटा, पी तो होता है बराबर एम वी होता है ना, तो के जी मीटर पर सेकंड. तो क्या है बेटा ये किसके बराबर आएगा, kg meter and meter is meter square per second or second minus, ठीक है, ये बेटा इसका यूनिट है, l का यूनिट है. अब डायमेंशन क्या है, क्योंकि ये जो है ना p, p किसके बराबर है, p होता है बेटा मास इनटू वेलोसिटी के बराबर. तो आप इसका l ऐसे भी लिख सकते हैं r बेटा r mv sin theta. तो बेटा r का है मीटर, मास का है kg, v का है मीटर पर सेकंड, तो मीटर 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 स्क्वायर और kg सेकंड, और बेटा ये सेकंड सेकंड माइनस, इसका कोई यूनिट नहीं है. ओके, आई बात समझ में, ठीक है. अब बेटा क्या है, देखो बेटा ये भी ठीक है ना, ये आप क्या है,
डायमेंशन तो आपको पता होगी, डायमेंशन क्या है एल की बेटा, डायमेंशन आप एल की क्या होगी, आर की क्या है, यहां सीधे ए लिखो, एल एम का कैपिटल एम, आर का एल, डी का क्या है एल टी माइनस वन, ऐसे बेटा ये आएगा एम पहले लिखेंगे और वन वन तो एल स्क्वायर आएगा टी माइनस वन, डायमेंशन फॉर किसकी। अब ऐसे ही क्या कभी जीरो होगा कभी ठीक है, जैसे कि टॉर्क है ठीक ना है, देखो बेटे कैसी है यार, स्पेशल केसेस, आप स्पेशल केसेस बेटा, केस फर्स्ट क्या है, एफ थीटा इज इक्वल टू जीरो, बिल्कुल किसकी तरह एफ थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो एल क्या आएगा, एल जीरो आएगा बेटा, देखो क्या है, अगर यहां लेंगे ऐसे एक्स एक्सिस ये बेटा वाई एक्सिस और बेटा ये जेड एक्सिस ये बेटा आर है और पी बी सी डायरेक्शन में है, यहाँ ये पार्टिकल है तो थीटा कितना है जीरो, तो ये ऐसे ही चलेगा जैसे लीनियर मोमेंटम है, तो ये तो बेटा एंगुलर मोमेंटम नहीं होगा, थीटा क्या है जीरो, तो टॉर्क यहाँ पी किसके बारे में, इफ केस फर्स्ट इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो आर थीटा इज इक्वल टू 180 तो क्या आएगा बेटा, तो एल आएगा आर क्या आएगा बेटा आर पी साइन थीटा, तो आर पी साइन जीरो, तो बेटा साइन जीरो तो होता है जीरो के बराबर, तो ये आएगा एल किसके बाद आएगा जीरो, अगर बेटा थीटा लेंगे 180 बिल्कुल बिल्कुल सोबा हुआ है ना ये बेटा, तो एल किसके बाद आएगा आर पी साइन 180, तो बेटा साइन 180 भी किसके बाद होता है, साइन 180 भी बेटा जीरो के बाद, तो क्या आएगा एल, एल आएगा जीरो, यहाँ ऐसे होगा, यहाँ ऐसे होगी इसकी डायरेक्शन, अगर आर ऐसे होगा तो पी होगा ऐसे, तो थीटा क्या होगा 180, और इस वक्त में भी एल भी क्या आएगा जीरो, अब आएगा एल का मैक्सिमम होगा बैन थीटा इज 90 ए सेकंड, अगर बेटा यहाँ इफ इफ थीटा इज इक्वल टू 90 तो थीटा क्या है, तो एल किसके बाद आएगा आर पी साइन 90, तो बेटा ये आएगा एल आएगा मैक्सिमम रिजल्ट, तो इसके बाद आएगा आर पी के बराबर, आएगा समझ में, अरे बहुत आसान काम है बिल्कुल, जहां टॉर्क है जहां टॉर्क जीरो वहां एल भी जीरो, ठीक है ना, ओके देखोगे सब कुछ आएगा बेटा, ऐसे ही अगर आप देखोगे ऐसे देखो बेटा आप क्या है, अगर एल लिखेंगे आप आर क्रॉस पी ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे घर में ट्राई करो बेटा, एल लिखेंगे कोटिजन कोऑर्डिनेट में थ्री डायमेंशन में, थ्री डी में क्या लिखेंगे आप, ये बेटा एल एक्स आई एल वाई जे एल जेड के ठीक है ना, ये क्या लिखेंगे यार, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस बेटा जेड के कैप, ओके क्रॉस लिखेंगे बेटा पी, पी क्या लिखेंगे पी एक्स आई पी वाई जे प्लस पी जेड के, ये घर में करना है बेटा ठीक है, इसका आंसर मैं जबानी बताऊंगा क्या आएगा बेटा आपको क्या आएगा, ये फाइनल में एल एक्स आपको आएगा बेटा बराबर वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई ठीक है ना, और एल एल वाई क्या आएगा बेटा आपको, ये आएगा वाई के बाद जेड और जेड फिर पी एक्स माइनस एक्स पी जेड, और बेटा बेटा यहाँ एल जेड आएगा आपको एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, ये घर में ट्राई करो, ये निकालो घर में, ये घर में ट्राई करो जैसे कि मैंने आपको दिखाया ना, अरे इजी है ना, बहुत इजी है, बहुत इजी है, इजी है टफ इजी है, देखो बेटा क्या है, जैसे कि देखो बेटा क्या है, द रोल दैट इज एल, जो एल करता है ना एंगुलर जो रोटेशनल रोटेशन में करता है, एंगुलर मोमेंटम जो रोटेशनल मोशन में रोल करता है, वो रोल बेटा पी करता है लीनियर मोशन में, किसमें लीनियर मोशन याद रखना, जो रोल बेटा एल करता है रोटेशनल मोशन में वो रोल पी करता है लीनियर मोशन में, बेटा देखो इसके साथ ही आप बेटा ये खत्म करने वाले हैं, देखो बेटा न्यूटन सेकंड लॉ याद है, सेकंड लॉ लीनियर मोशन में क्या होता है, फोर्स होता है बेटा डीपी बाई डीटी, लेकिन यहाँ रोटेशन में क्या होता है, बराबर रोटेशन में बेटा क्या होता है, रोटेशनल मोशन में यहाँ फोर्स के बाद टॉर्क होता है और डी पी के बाद बेटा एल होता है डी आर बाई डी टी, दिस इज न्यूटन सेकंड लॉ इन रोटेशनल मोशन, दिस इज लीनियर मोशन, फोर्स होता है डी पी बाई डी टी, लेकिन फोर्स के बाद रोटेशन में टॉर्क और लीनियर मोमेंटम के बाद एंगुलर मोमेंटम, तो ये इक्वेशन है, दिस इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन रोटेशनल मोशन, ओके विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक।